नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आइए आज हम बात करते हैं एक्सेल में हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, एक्सेल के कुछ फंक्शनलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है हम किस प्रकार से एक्सेल में कट कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एवं किस तरीके से एक्सेल में रो कॉलम और सेल को इंसर्ट अथवा डिलीट किया जा सकता है। साथ ही हम सीखेंगे किस प्रकार हम ड्रैग और ड्रॉप ऑपरेशन एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैग और ड्रॉप। जो एक्सेल की फंक्शनलिटी है, जो फीचर है, उसको हम किस प्रकार परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, किसी सेल को हम सेलेक्ट किए हुए हैं और इस सेल को अगर हम किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को ड्रैग के नाम से जाना जाता है। जब आपका कर्सर जो है नुकीला हो, जिस तरीके से चित्र में दिखाई दे रहा है, एरोनुमा, और अपने सेलेक्टेड सेल की बाउंड्री पर उसको ले जाइए, माउस का बटन प्रेस कीजिए, लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और अपने माउस को मूव कीजिए। जहाँ पर वो जाकर के आप उसको छोड़ना चाहते हैं, रिलीज करना चाह रहे हैं, उस सेल पर जाकर के अपने माउस के बटन को रिलीज कर दीजिए। तो इस प्रकार ड्रैग और ड्रॉप ऑपरेशन एक्सेल में परफॉर्म हुआ। देखते हैं किस प्रकार कट कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन एक्सेल में किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कट और कॉपी और पेस्ट ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है। डिजिटल कंप्यूटर में हम इस तरह का ऑपरेशन कई बार करते हैं। तो एक्सेल में क्या भिन्नता है, किस प्रकार ये किया जा सकता है। सबसे पहले आपको कट या कॉपी करने के लिए जिस चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है उसको सेलेक्ट करना होगा। वो एक सेल हो सकता है या कई सेल का समूह हो सकता है। एक से ज़्यादा सेल आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी प्रकार एक रो सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा रो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने एक सेल सेलेक्ट किया है, चित्र में दिखाई दे रहा है। उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम उसमें कट ऑपरेशन परफॉर्म करें या हम उस पर कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करें। कट ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपका जो सेलेक्टेड सेल है उस जगह से एक डॉटेड सर्कल उसके चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है और जो ही आप उसको डिजायर्ड प्लेस पर, जिस जगह पर आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर पेस्ट करते हैं तो अपने वो वास्तविक स्थान से जहाँ पर आपने उसको सेलेक्ट किया था वहाँ से हट जाता है। अगर हम उसको कॉपी करते हैं तो वो दोनों जगहों पर रहता है, जहाँ आपने पेस्ट किया वहाँ भी रहेगा और जहाँ से आपने उसको सेलेक्ट करके कॉपी किया था वहाँ भी रहेगा। तो ये एक बेसिक भिन्नता है कट ऑपरेशन और कॉपी ऑपरेशन में। इस प्रकार आप एक सेल को या सेल के समूह को या रो को या कॉलम को या रो के समूह को अथवा कॉलम के समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं अथवा कॉपी कर सकते हैं या और साथ ही पेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सेल किस प्रकार कॉपी हो सकते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है। कई सारे सेल, 4 से 5 सेल सेलेक्ट हैं और उसके बाहर से एक मूविंग लाइन, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, जो इस बात का परिचायक है कि उसको सेलेक्ट करके कट अथवा कॉपी कर लिया गया है। और दाईं तरफ जो पेस्ट है उसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया गया है। इस बात से ये स्पष्ट है कि आपने उसको कट नहीं, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑपरेशन किया था, साथ ही पेस्ट कर चुके हैं आप। एक्सेल में एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम पेस्ट स्पेशल के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार उसके नाम से ही पता लग रहा है कि पेस्ट स्पेशल कुछ अलग तरीके से पेस्ट करता है, तो उसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या भिन्नता है, बजाय सिंपल पेस्ट ऑप्शन के वो हम बात करते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ सेल सेलेक्टेड हैं और उसको हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद जिस जगह पर हम उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं उस स्थान पर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल। जो ही आप पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिस डायलॉग बॉक्स में आपके पास कुछ सुविधाएँ हैं। इन सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं, इन फैसिलिटीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा है, पेस्ट लिंक एक ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है कि ट्रांसपोज, अर्थात अगर आपने कोई रो नुमा डेटा सेलेक्ट करके कॉपी किया था तो वो ट्रांसपोज पर क्लिक करने के बाद जो है आप ओके करेंगे तो
कॉलम रूमा जो है कॉलम के प्रकार में डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर आपने उसको कॉलम प्रकार से सिलेक्ट किया था तो अगर आप ट्रांसपोज करके उसको ओके करते हैं वो रो नुमा पेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार उसमें आप एडिशन कर सकते हैं, वैल्यूज सिंपल वैल्यूज कॉपी करने का आ रहा है उसको पेस्ट कर सकते हैं, और जो है डिवीजन कर सकते हैं उन डेटा वैल्यूज का। तो इस प्रकार से हम ये पेस्ट स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे एक्सेल, हमें ये भी बात करनी है आज के टॉपिक पर किस प्रकार से एक्सेल में रो और कॉलम इंसर्ट अथवा डिलीट की जा सकती हैं, अथवा एक सेल को इंसर्ट अथवा डिलीट किया जा सकता है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि हम कुछ सेल पहले से लिखे हुए हैं उस पर इंसर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसमें इंसर्ट रो भी कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है उस रो पे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास जो है पॉपअप मेन्यू निकल कर आता है। उस पॉपअप मेन्यू में आप इंसर्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चित्र में भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इंसर्ट क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपको क्या इंसर्ट करना है, रो एंटायर कॉलम या सेल। उसमें शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल लेफ्ट दो ऑप्शन लिखे हुए आते हैं। तो जैसे कि उनके नाम से पता लग रहा है उनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इनमें रेडियो बटन बना होगा, किसी एक को एक बार में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के अनुरूप या तो इंटायर रो सेलेक्ट कर सकते हैं या इंटायर कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं या सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मान के चलते हैं कि हमारे एक्सेल की शीट में 3 कॉलम हैं, कॉलम ए पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, कॉलम बी पर भी कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और कॉलम सी पर भी कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर मुझे कॉलम बी से पहले अर्थात कॉलम ए के बाद एक नया कॉलम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कॉलम बी पर राइट क्लिक करना होगा, इंसर्ट बटन पर क्लिक करना होगा और उसमें क्या सेलेक्ट करना होगा, कॉलम, एंटायर कॉलम। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हम कॉलम ए और बी के मध्य एक और कॉलम इंसर्ट कर पाए हैं। यही प्रोसेस रो इंसर्ट करने के लिए भी है। अगर आपने रो नंबर 1 पर कोई हेडिंग लिखी है, रो नंबर 2 पर भी आप कोई और हेडिंग लिखना चाह रहे हैं मगर आप पहले से रो नंबर 2 पर लिख चुके हैं और आप चाह रहे हैं इन दोनों के बीच में एक नई रो स्थापित की जाए, इंसर्ट की जाए, तो सेम प्रक्रिया आपको इस काम के लिए भी अपनानी होगी। आप रो 2 पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे वहाँ से क्या, इंसर्ट सेलेक्ट क्या करेंगे, एंटायर रो। तो इस प्रकार आप एक रो 1 और रो 2 के मध्य में एक नई रो जो है इंसर्ट कर पाएंगे जिसका नाम अब रो 2 होगा। जो पूर्व में रो 2 था वो रो 3 हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। किस प्रकार से हम पहले से बने हुए रो अथवा कॉलम को डिलीट कर सकते हैं अथवा सेल को डिलीट कर सकते हैं, तो इस प्रकार हम ये भी जान पाएंगे कि किस प्रकार हम रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं अथवा डिलीट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने रो और कॉलम इंसर्ट किए उसी प्रकार से हमारे पास डिलीट करने का भी ऑप्शन है। किसी रो पर आप क्लिक कीजिए, उस पर किसी रो के किसी भी सेल पर आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके ऑप्शन आता है डिलीट, क्या डिलीट करना है, फिर आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा। उसमें एक ऑप्शन होगा सेल, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल जो है लेफ्ट, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। आप चारों में से अपनी सुविधा के अनुरूप किसी एक को सेलेक्ट कीजिए, किसी एक का चुनाव कीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है रो को या कॉलम को या सेल को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप सेल के हेडर में ये काम करते हैं, किसी रो के हेडर में या किसी कॉलम के हेडर में, हेडर करता टॉप लेवल से है, तो आपसे वो पूछेगा नहीं कि आपको क्या डिलीट करना है, वो उस रो को या उस कॉलम को डिलीट कर देगा। एक और बिंदु पर हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है अंडू और रीडू, जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, हम कई बार इनका इस्तेमाल करते हैं। अंडू अर्थात अनडन, जो किया है उसको हटा दें, अन कर दें उसको, नॉट डन। रीडू अर्थात जो हटाया था उसको फिर से वापस ले लें। तो इनके आइकन से भी आप समझ पाएंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। उसमें ऑप्शन में आपको लिखा भी मिलेगा, अगर आप अपने माउस का बटन उस आइकन के ऊपर रखेंगे तो आपको टूल टिप भी मिलता है कि ये ऑप्शन क्या काम करते हैं। किस प्रकार से हम अंडू और रीडू कर सकते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं।
आपने किसी एक सेल में लिखा हेलो, एंटर कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें लिखे हुए को हटाना चाहते हैं, इसमें जो लिखा है वो आपने गलत लिख दिया, तो आप इसको अनडू कर दीजिए, या तो ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में उस आइकन पर क्लिक कीजिए, या कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट की उस पर क्लिक कीजिए। तो इसी प्रकार आपने जिसको हटा दिया, आपको ऐसा महसूस हुआ नहीं नहीं ये ठीक लिखा था, इसको नहीं हटाना चाहिए, तो इसी ऑप्शन को रीडू, दोबारा डन करने के लिए, जिसको रीडू ऑप्शन के नाम से जानते हैं, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये वापस आ जाएगा। आगे बात करते हैं एक्सेल की एक और फैसिलिटी, जिसको हम स्मार्ट टैग्स अथवा ऑप्शन बटन, इन दो बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं। स्मार्ट टैग क्या है? जो आपको विभिन्न प्रकार की जो है सुविधाएं एट अ रन टाइम पर पेश करते हैं, उसको हम स्मार्ट टैग के नाम से जानते हैं। वो किस प्रकार की सुविधा हो सकती है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कि जो स्मार्ट टैग है वो क्या है, व्हाट आर स्मार्ट टैग्स, किस चीज़ को हम स्मार्ट टैग कहें। इंडिकेटर ऑफ अ रिकग्नाइज्ड डेट, प्लेस और यूनिट। सपोज उदाहरण के तौर पर लेते हैं, किसी एक सेल पर कुछ डेटा लिखा हुआ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके राइट कॉर्नर पर एक बटन बन के आ रखा है। अगर आप उस ड्रॉप डाउन एरो नुमा बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ सजेशन मांगता है कि आप इसमें से क्या चाह रहे हैं, तो इसी सुविधा को हम स्मार्ट टैग के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसके सुझाव उपयुक्त हैं, आप किसी एक सुझाव पर क्लिक कर सकते हैं और वो अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से हम स्मार्ट टैग का इस्तेमाल एरर फाइंडिंग में भी करते हैं, जिसको एरर ऑप्शन बटन के नाम से भी जानते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है आपने किसी एक जगह पर कोई वैल्यू रखी और किसी एक सेल पर उस वैल्यू को जीरो से भाग देने का प्रयास किया, जिसको हम डिवाइड बाई जीरो एरर कहते हैं। अर्थात गणित में भी आप किसी नंबर को जीरो संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, यह एक अमान्य जो है बात मानी जाती है। तो हमारा एक्सेल भी इस सुविधा, इस रूल को फॉलो करता है और इसकी जगह पर आपको एक सुविधा देता है ऑप्शन बटन, या हम उसको स्मार्ट टैग भी कह सकते हैं। किस प्रकार जिस सेल पर आपने ये परफॉर्म किया, किसी वैल्यू को जीरो से भाग देने का प्रयास किया, जो है एंटर किया, तो सेल पर एक बटन निकल के आ गया, जो क्लिक करने पर आपको कुछ जो है ऑप्शन देता है या सलाह देता है, सुझाव देता है कि आप इसमें से इसको क्या कहेंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा डिवाइड बाई एरर, डिवाइड बाई जीरो, कि आप डिवाइड बाई जीरो नहीं कर सकते, आपकी एरर है, आपको इससे पता लग जाएगा। या आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसके सुझाव उपयुक्त तो नहीं है, इग्नोर एरर भी उसमें एक ऑप्शन होगा। ऑटोफिल एक ऑप्शन बटन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑटोफिल क्या चीज़ है, किस प्रकार से हम ऑटोफिल कर सकते हैं, ऑटो कम्प्लीट क्या चीज़ है, कैसे ये काम करते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है आपको किस प्रकार हमारे पास कुछ सेल में डेटा रखा हुआ है, डेट फॉर्मेट में कोई वैल्यू रखी हुई है। अगर हम चाहते हैं इसको और कैरी ऑन करें, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके बटन जो राइट कॉर्नर पर ड्रॉप डाउन बटन निकल के आया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि आप और क्या क्या इस ऑटो फिल ऑप्शन से चाह रहे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उस पर क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक और अन्य एग्जाम्पल भी समझते हैं। आपने किसी सेल पर, सपोज मान के चलते हैं आपने सेल A1 पर वैल्यू 1 लिखा और सेल A2 पर वैल्यू 2 लिखा। अब आपको ये सीरीज इसी प्रकार 100 तक ले जानी है, तो एक तरीका तो यह है कि आप इसके बाद हर एक सेल में एक एक संख्या बढ़ाते हुए अपने हाथ से टाइप करते जाइए। दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, जब इस पर एक राइट लेफ्ट राइट बॉटम कॉर्नर पर एक छोटा सा बटन बन के आता है, क्रॉस बटन, जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर अपने माउस के पॉइंटर को ले जाइए, एक पतला सा प्लस का साइन बन के आएगा और माउस बटन दबाइए और सीधे कॉलम उस रो पर, उस कॉलम पर ड्रैग कर ले जाइए, उसको मूव करते जाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी सीरीज वन बाई वन बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रकार ये आप जो है वीकडे में भी काम करते हैं। आप एक कॉलम ये सेल पर लिखिए, आप मंडे MON, और उस सेल को ड्रैग कर ले जाइए, मूव कीजिए उसको, तो वो सीरीज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस प्रकार क्रम से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये दूसरी जो है एक नई फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, जो हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से स्मार्ट टैग ऑप्शन हमारे पेस्ट में भी काम करते हैं। आपने किसी एक जगह पर जो है डेटा रखा हुआ है, आप उसको कॉपी करके एक अन्यत्र स्थान पर ले जाना चाह रहे हैं। जो ही आप उसको एक अन्यत्र स्थान पर ले जाते हैं, आप कॉपी करके उसको पेस्ट करते हैं,
उस जगह पर भी आपके पास स्मार्ट टैग ऑप्शन मिलता है, ताकि आप उसको अन्यत्र पेस्ट करना चाह रहे हैं या अपने क्लिपबोर्ड में रखी हुई वैल्यू को वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, ऐसा भी आप कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इन स्मार्ट टैग ऑप्शन बटन्स में कुछ सेटिंग में चेंजेस करना चाहते हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आप इस प्रकार से जो एक्सेल प्रदत्त ऑप्शन बटन है उस पर क्लिक करके इसकी सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं। आप चाहें स्मार्ट टैग ऑप्शन ऑन रहे या ऑफ रहे, आप ऐसा कर पाएंगे। एडिटिंग टूल्स पर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, किस प्रकार से एक्सेल में हम और भी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण ऑप्शन आपके सामने है, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट एक ऐसी सुविधा है, अगर आप टाइप कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऑप्शन लिखने में आपसे बार बार गलती हो जा रही है, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सपोज आप लिखते हैं THE और टाइपिंग के दौरान आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप उसका स्पेलिंग HET लिखते हैं, तो ऐसी अमूमन बहुत सारी गलतियां हैं जो टाइपिंग के दौरान आप कर सकते हैं और आप चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएं, तो उसका एक सही तरीका ये भी है, आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ऑटो करेक्ट, जो आपको एक्सेल ऑप्शन में जाकर मिलेगा। ऑटो करेक्ट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जहाँ पर आप अपना गलत क्या लिखेंगे और उसकी जगह पर आप क्या सही चाहते हैं ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, वो दोनों टाइप करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ऑटो करेक्ट भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है जिसको हम स्पेल चेक के नाम से जानते हैं, अर्थात अगर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, स्पेलिंग चेक आपकी टाइपिंग के दौरान होती जाए, किस प्रकार आप कर पाएंगे, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। स्पेल चेक करने के लिए आप उस पर राइट क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं, स्पेल आपको सजेशन देता है। अगर आपको लगता है डिक्शनरी द्वारा दी जा रही जो सजेशन है वो ठीक है, तो आप चेंज पर क्लिक कर दीजिए और आपको ये समझ में आता है कि जो आपने टाइप किया हुआ है वो ठीक है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप उसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शन को आप नहीं चुनाव करना चाह रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है एक्सेल में। तो किस प्रकार से हम अपने डेटा सीट में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, इसके दो तरीके हैं। एक, आप वन बाय वन ढूंढते रहिए वो कौन कौन सी जगह पर आपको मिल सकती है। दूसरा तरीका यह है कि आप उसको फाइंड ऑप्शन में जाइए और फाइंड ऑप्शन में जाने के बाद उसको टाइप कर दीजिए जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, और फाइंड पर फाइंड नेक्स्ट या फाइंड ऑल, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे उसके नाम से जाहिर हो रहा है फाइंड नेक्स्ट, उसके बाद वो जगह वो वैल्यू कहाँ मिलेगी जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं, आपको उस जगह पर ले जाएगा, उस सेल पर ले जाएगा, सेल को सिलेक्ट करेगा। अगर आप चाह रहे हैं सारे प्लेसेस पर इस सीट में जितने भी जगह पर ये वैल्यू है वो हमें दिख जाए कहाँ कहाँ पर है, वो काउंट करके आपको बताएगा कि इतने नंबर ऑफ जगह पर ये वैल्यू अवेलेबल है। तो साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसको हमें बदलना भी है, इसकी स्थान पर कुछ और वैल्यू होनी चाहिए थी, ये हमसे गलती हो गई है, तो आप रिप्लेस बटन पर क्लिक कीजिए जो कि उसके दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, और उसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाना चाहिए वो आप टाइप कर दीजिए। तो रिप्लेस के दौरान भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिप्लेस आप चाहते हैं वन बाई वन हो तो आप फाइंड नेक्स्ट कीजिए फिर रिप्लेस पर क्लिक कीजिए, फिर फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए फिर रिप्लेस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, फाइंड कर लीजिए और उसके बाद रिप्लेस ऑल एक बटन आपको दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार आप फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। एक और बिंदु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम एक्सेल में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है हमारे पास एक सेल बना हुआ है, उस सेल पर हमने कुछ कमेंट ऐड करने का प्रयास किया है। राइट क्लिक कीजिएगा उसमें सेल पर और ऐड कमेंट, चूज कमेंट ऑप्शन आता है, उसमें आप कमेंट क्लिक कीजिए और आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप फ्यूचर दृष्टिकोण से ये चाहते हैं कि उसमें कुछ आपको मार्क देना है ताकि आप फ्यूचर में उस पर समझ आए कि आपने क्या लिखा हुआ था, तो ये एक्सेल आपको सुविधा देता है। आप चाहते हैं इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, उस सेल पर क्लिक कीजिए और डिलीट कमेंट भी आप कर पाएंगे। तो ये आज हम बात कर रहे थे एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस के बारे में। कुछ अगले बिंदुओं पर हम अगले लेक्चर्स पर बात करेंगे। आज के लिए इतना है और धन्यवाद, नमस्कार।